यूपी के बरेली में डग्गामार वाहन अब सवारियों को पीछे चमगादड़ की तरह लटक कर फर्राटा भर रही हैं और ये वाहन लोगों के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परिवहन विभाग इन बातों से अनजान है, बल्कि विभाग भी जानकर अनजान बना हुआ है। बरेली के विभिन्न इलाकों में डग्गामार वाहनों की संख्या तेजी से इसमें इजाफा भी हो रहा है। रोडवेज बस स्टैंड के पास दूर दूर तक अवैध वाहन खड़े रहते हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस और परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते जिले भर में डग्गामार वाहन दौड़ रहे हैं। नियमानुसार रोडवेज बस अड्डे के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वाहन स्टैंड नहीं बन सकता, लेकिन डग्गामार बसों के संचालक बेखौफ होकर सारे नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन कर रहे हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कहीं ना कहीं डग्गामार वाहनों की वजह से लाखों रुपए का चूना भी लग रहा है। देखिए, जो डग्गामार बसें चल रही है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम है कि कोई भी किसी भी सरकारी बस अड्डे से 1 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी डग्गामार बस संचालित नहीं होगी। कुछ बसें आ जाती हैं जिसके लिए हमारे ARM और ARTO की टीम उन पे काम कर रही है। आज ही मैंने ARTO साहब से आज ही रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा इन बसों पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, तो डग्गामार पे उम्मीद है जल्दी लगाम लगे। अब इसके बारे में मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ, मैं क्या बताऊँ कहाँ पैसा जाता कहाँ नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, ये अनऑथराइज है, गलत है, इसको बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, और RTO परिवहन विभाग में जो RTO इन्फोर्समेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है। देखिए, इसमें यह है कि हम उन सब यात्रियों से ये अपील करना चाहते हैं कि डग्गामार बसों में यात्रा ना करें, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं है कि उनके ड्राइवर्स जो होते हैं वो वो ट्रेनिंग नहीं किए होते हैं। हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग चलती है, पर डे ट्रेनिंग चलती है एक तरीके से ये कहा जाए, और तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी दिन कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे पास तो पूरे क्षेत्र में लगभग 581 बसेस है, और हर रूट पे मुझे लगता है 10 मिनट 15 मिनट की फ्रिक्वेंसी पे हमारी बस है। डग्गामार वाहनों पे जो है हमारे प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लगातार कार्य किया जाता है, और बहुतायत संख्या में ऐसी डग्गामार बसों के को बंद करने की कार्रवाई की गई है, फिर भी अगर कहीं चल रहे हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो